हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेट एकेडमी। माय नेम इज दीपराज चंद्राकर और मैं आज आप लोगों के साथ अपना अनुभव और कुछ बातें जो मैं अभी तक सीख पाया हूं या मुझे जो समझ में आई है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक स्टूडेंट जो गेट टॉपर होता है उनमें क्या क्या बातें देखने को मिलती है, अगर ये बातें आप में है तो बिल्कुल आप गेट टॉपर बन सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने अभी तक रियलाइज किया, जो चीजें मैंने निकाल के लाई है, तो मुझे लगता है ये जो पांच बातें मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं, अगर ये बातें आप में हैं तो बिल्कुल आप गेट टॉपर बन सकते हैं। और ये पांच बातें क्या क्या हैं? सबसे पहले आप में होना चाहिए डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे ये करना है। गेट एग्जाम अगर करना है तो गेट एग्जाम करना है। अगर मुझे HPCL का एग्जाम अभी निकालना है तो निकालना है। अगर मुझे DRDO का एग्जाम निकालना है तो निकालना है। सो आपके में डिटर्मिनेशन होना चाहिए। सो दोस्तों, अगर आप गेट की तैयारी करते हैं तो बाकी चीजें ऑलरेडी हो जाती है। तो मेरे हिसाब से मैं यही कहूंगा कि आपके में डिटर्मिनेशन होना चाहिए। डिटर्मिनेशन एक मैग्नेट है जो सक्सेस को खींचेगा, याद रखिएगा, ये जरूरी है। डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप में होनी चाहिए। अगर आप दृढ़, डिटर्मिनेशन है आप में, डिटर्मिनेशन मतलब क्या, दृढ़ होना। अगर आप दृढ़ अपने लक्ष्य को लेके, सो गारंटी है आप सक्सेस ले जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं कहूं, सो आपके पास प्लानिंग होना चाहिए। अगर किसी चीज का प्रिपरेशन, डिटर्मिनेशन तो हो गया कि चलो भाई मुझे गेट एग्जाम निकालना है, गेट एग्जाम की तैयारी करनी, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं, कहां से क्या चीजें करनी है मुझे, PYQ लगाना है सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, उसके बाद टेस्ट सीरीज देना है, टेस्ट सीरीज में क्या क्या खामियां हैं उसको मुझे आइडेंटिफाई करना है, कब कौन सा सब्जेक्ट को वापस से रिवाइज करना है। सो ये पूरा आपका एक प्लानिंग का हिस्सा है। और ये प्लानिंग अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। सो प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, तो प्लानिंग एक होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा डिसिप्लिन, माय डियर फ्रेंड, डिसिप्लिन, अभी आपको कोई डिसिप्लिन के लिए बोलने नहीं आएगा, आपको घर में कोई बोलने नहीं आएगा कि आप पढ़िए पढ़िए, रोज आपको फोन करके कोई नहीं बोलेगा कि पढ़ो ये टॉपिक कंप्लीट करो, इस तरीके से कोई नहीं बताएगा। सेल्फ डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट। एंड माय डियर फ्रेंड, यहां पे मैंने डिसिप्लिन में ना एक चीज लिखा है, अगर आप देख पा रहे हैं इस चीज को, सो ABCD को अगर मैं इस तरीके से नंबरिंग करूं, ABCD, A को 1, B को 2, C को 3, D को 4 और इस तरीके से कंटिन्यू Z तक मैं नंबरिंग करूं, है ना। सो डिसिप्लिन में जो लेटर्स हैं, D को देखेंगे तो 4, यस सर, I को देखेंगे तो 9वें नंबर पे होगा, S को देखेंगे तो 19, वैसे ही C को देखेंगे तो 3 नंबर पे है, I फिर से 9 नंबर, P आपका 16वें नंबर पे, L आपका 12वें नंबर पे दिखेगा, I आपका 9वें नंबर पे, N 14 नंबर पे है और E आपके 5वें नंबर पे। टोटल करते हैं तो ये 100 आता है, ये 100 आता है। ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट कि आपको 100% डिसिप्लिन होना पड़ेगा आपके लाइफ में, अगर आपको वाकई में सक्सेस चाहिए ना दोस्तों। सो सेल्फ डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ वर्ड इज नथिंग बट कि आपको खुद से लाना है चीजें, कोई बार बार आपको नहीं बोलते रहेगा, वो बचपना गया, अब आप ना अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं, बिलीव मी आप खुद ले रहे हैं। आपको कितना भी लगे कि यार इसमें मेरे घर वालों का हस्तक्षेप है, नहीं, आप घर वालों को उस हिसाब से मोल्ड करते हैं। सो सारे डिसीजन अब आप लेना शुरू कर रहे हैं। हाँ, आपको अभी कहीं ना कहीं घर वालों से कंसल्ट करना पड़ रहा है, एक टाइम के बाद अगर आप कुछ अचीव कर लेते हैं तो आपको वो फ्रीडम मिल जाता है कि आप फिर जो डिसीजन है वो इंडिविजुअली ले लेते हैं उस समय फिर, लेकिन अभी भी जो डिसीजन है उसमें आपका जो परसेंटेज है कहीं ना कहीं आप जो चाहते हैं ना उधर ही चीजें मिलती है। सो माय डियर फ्रेंड, डिसिप्लिन में भी आपका इनपुट होना जरूरी है, तो सेल्फ डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द 100%, ये 100% होना चाहिए लाइफ में। मैं सिर्फ प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, लाइफ में कह रहा हूं, डिसिप्लिन शुड बी 100%, ठीक है। अगला देखते हैं, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। यस, आपका एटीट्यूड, अगर आप इंजीनियर हैं तो आपका एटीट्यूड, इंजीनियर की एटीट्यूड और ईगो में ना माइनर डिफरेंस एटीट्यूड, आप अगर इंजीनियर हैं तो
इंजीनियर वाला एटीट्यूड होना चाहिए, एक आम आदमी और इंजीनियर में अंतर होना चाहिए, लेकिन ईगो नहीं होना चाहिए। आप उनको से बेहतर तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, उनको उसका मजाक उड़ा रहे हैं, है ना, सो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, वो गलत है। बट एटीट्यूड इस तरीके से है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है या बात करने का तरीका, वहां पे जो चीजें अपनी जो थॉट रखते हो, है ना, सो वो एकदम रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ भाई, एक पढ़ा लिखा एक बुद्धिजीवी बात कर रहा है या अपनी बातों को रख रहा है, सो डिफरेंस क्रिएट होगा। उसी प्रकार से तैयारी में भी आपका एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है। अगर वो एटीट्यूड नहीं रहा, वो नहीं रहा कि हाँ भाई मैं गेट फोड़ूंगा, सो नहीं फोड़ पाएंगे दोस्त। वो एटीट्यूड होना जरूरी है कि यस मैं गेट फोड़ूंगा, और उस एटीट्यूड के साथ क्वेश्चंस को देखना, उस एटीट्यूड के साथ क्वेश्चन को पढ़ना, एक इंजीनियर वाला एटीट्यूड होना चाहिए। और वो थॉट अगर डेवलप हो गया तो आपका गेट एग्जाम लिखा जाएगा, ठीक है। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं बोलूं तो एटीट्यूड, यस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और डिसिप्लिन हो गया आपका, एटीट्यूड हो गया आपका, आपका डिटर्मिनेशन हो गया, प्लानिंग हो गया, इन सब में जरूरी है ये सारी चीजें करने के बाद कंसिस्टेंसी। जैसे डिसिप्लिन, एक हफ्ता डिसिप्लिन था सर, दूसरे हफ्ता तो गायब हो गया। अरे नहीं भैया सर, क्योंकि मोटिवेशन नहीं था। अरे ये देख लो, दो ग्राफ है आपके पास, एक ग्राफ जो कि मोटिवेशन के बेसिस पे बढ़ रहा है, एक ग्राफ जो कि मोटिवेशन की बेसिस पे बढ़ रहा है, ये आपका मोटिवेशन के बेसिस पे बढ़ रहा है। मोटिवेशन मिला, ऊपर गया, फिर डाउन, फिर इंतजार कर रहा है मोटिवेशन का, फिर मिला, फिर डाउन, फिर मोटिवेशन मिला। नहीं हो सकता, डिसिप्लिन विथ कंसिस्टेंसी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, डिसिप्लिन विथ कंसिस्टेंसी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर ये पांच बातें आप में है तो बिल्कुल आपको गेट का प्रिपरेशन करना चाहिए, बिल्कुल आपको गेट का प्रिपरेशन करना चाहिए दोस्त, ठीक है ना। सो इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट, ये पांच बातें। और गेट क्या, मैं जो बातें कह रहा हूं इन बातों के साथ आप किसी भी एग्जाम को फोड़ सकते हैं, हालांकि मैं अभी गेट एग्जाम की बात कर रहा हूं। ये लाइफ में ये पांचों चीजें जरूर होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ये सारी बातें ढूंढेंगे, है ना। अच्छा एक चीज और था, शायद वो स्लाइड में मेंशन है कि नहीं, अभी कोई ऑफर चल रहा है तो ये जो मैंने अभी तक बातें बताई है ये लाइव के लिए है। अब जो मैं स्लाइड आपको दिखाने जा रहा हूँ, दिस इज योर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, ये मार्केटिंग के लिए है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑफर है, जो गेट 23 के लिए जा रहे हैं, गेट 24 के लिए जा रहे हैं, गेट 25 के लिए जा रहे हैं, उनका प्राइस आप देख सकते हैं, जो प्रतिज्ञा जी ड्राइव या वीओडी या पेन ड्राइव कोर्सेज के लिए। सो मात्र 18,000 में आप ये कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, पेन वीओडी आप 20,000 और पेन ड्राइव मात्र 23,000 में 2023 के लिए। 24 के लिए आप 25,000 27,000 और 30,000 में आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। 2025 वाले स्टूडेंट जो अभी सेकेंड ईयर में होंगे उनको मात्र ये इस प्राइस में देखने को मिलेगा, 36,000 38,000 और 41,000 पेन ड्राइव कोर्स के लिए जा रहे हैं। तो सो दिस इज योर व्हाट, आपका एक ऑफर जो चल रहा है वो मैंने बताया। सो दोस्तों वीडियो में जो मैंने बातें बताई है उन बातों का जरूर ध्यान रखना, एंड थैंक यू सो मच। इस तरीके की बातें और मैं आपके सामने रखते रहूंगा, बस ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना प्यार बनाइए मेरे साथ, अपना जो फाउंडेशन है ना उसको बना के रखिए, लाइक कीजिए, आपको जो भी बातें लगती है ना वो बातें कमेंट में जरूर लिखिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो जरूर शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।